नमः शिवाय। दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मेष राशि का साल 2021 में अप्रैल का महीना किस प्रकार जाने वाला है, यानी 1 से लेकर 30 अप्रैल तक की समयावधि में ग्रहों के अनुसार किस प्रकार की संभावनाओं का निर्माण मेष राशि वाले जातकों के जीवन में होने जा रहा है, इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। यह राशिफल मेष राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और यह राशिफल आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के दौरान हम सभी विषयों पर बात करेंगे, इसमें मेष राशि का कैरियर और व्यावसायिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और मेष राशि के लिए कुछ खास उपाय। तो राशिफल को बताने से पूर्व हम आपको यह बता दें कि यह राशिफल आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस समयावधि में यानी इस एक माह में ग्रह स्थिति किस प्रकार की रहने वाली है, जिसमें गुरु और शनि 5 अप्रैल 2021 तक आपके राशि के दशम भाव यानी कर्म भाव में नीचभंग राजयोग का निर्माण करेंगे। उसके पश्चात गुरुदेव बृहस्पति आपके राशि से लाभ भाव में गोचर कर जाएंगे, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति कुंभ राशि में चले जाएंगे तो आपकी राशि के लाभ भाव में प्रभावी रहने वाले हैं। इस महीने 3 ग्रह सूर्य, बुध, शुक्र आपके राशि के 12th हाउस यानी व्यय भाव में रहने वाले हैं। इस महीने राहु मंगल का अंगारक योग आपके राशि में 13 अप्रैल 2021 तक धन भाव में बना हुआ रहेगा। 13 अप्रैल को मंगल देव आपकी राशि के पराक्रम भाव में चले जाएंगे। पूरे वर्ष केतु आपकी राशि के अष्टम भाव में रहने वाले हैं। तो ये ग्रह स्थिति इस प्रकार की बनी हुई है, जिसमें माइनर ग्रहों का राशि परिवर्तन होता रहेगा, मेजर ग्रहों का परिवर्तन बहुत कम होने वाला है। इस महीने में अगर कैरियर और व्यावसायिक जीवन के लिहाज से अगर हम आपको जानकारी दें तो यह महीना कई मामलों के लिए बेहतर शानदार है। इस महीने आप गर्मजोशी के साथ किसी कार्य को जीवन में करते हुए नजर आएंगे। यदि पुराना व्यापार से आपको अच्छे मुनाफे की संभावना जीवन में नहीं उत्पन्न हो रही थी, अप्रैल का महीना व्यापारिक जीवन के लिहाज से बहुत ही शानदार रहने वाला है। आपके राशि के दशम भाव में शनिदेव की मौजूदगी इस बात की ओर इशारा कर रही है कि आप पूर्ण रूपेण मेहनत के साथ जीवन में आगे बढ़ते हुए नजर आने वाले हैं। मेहनत और आप अपनी कार्य क्षमता के बलबूते पर, कर्म दक्षता के बलबूते पर जीवन में बड़ी से बड़ी मुश्किलों को आप हल करते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि जब कर्म दक्षता या कार्य क्षमता आपकी बढ़ जाएगी तो बड़ी परिस्थितियों को अभी आप डट कर सामना कर सकते हैं। इस समयावधि में नौकरी पेशा जातकों को प्रमोशन की संभावना, एक विभाग से दूसरे विभाग में जाने की संभावना बन सकती है और इससे आपके मन में प्रसन्नता भी जीवन में उत्पन्न होने वाली है। साथ में बदलाव की संभावना, ट्रांसफर की भी संभावना बनने से प्रसन्नता देखने के लिए आपको मिलेगी। यदि पूर्व के समय से आप नौकरी की दिशा में संलग्न हैं और आर्थिक स्थिति आपकी पूर्ण रूप में खराब थी तो यह महीना आर्थिक मामलों में भी बेहतर शानदार रहने वाला है। ऐसे जातक जो शनिदेव से जुड़े हुए क्षेत्रों में संलग्न हैं, कागज, कपड़ा, पेट्रोलियम, रियल इस्टेट, कोयला, लोहा, इन सब विषयों से व्यापार कर रहे हैं, साथ में आग से संबंधित किसी कार्यों में आप संलग्न हैं, उसमें आपको बड़ी सफलता देखने के लिए मिलने जा रही है। सरकारी क्षेत्रों में संलग्न जातक जीवन में बेहतर संभावनाओं का निर्माण करते हुए नजर आने वाले हैं। इस समयावधि में अगर आर्थिक पक्ष से अगर कहा जाए तो राशि का जो धन भाव है उसमें अंगारक योग का निर्माण 13 अप्रैल 2021 तक है, तो मेष राशि वाले जातकों 13 अप्रैल के पूर्व तक आपको वाणी में नियंत्रण रखकर चलने की आवश्यकता होगी। आर्थिक मामलों में व्यर्थ के खर्च होते हुए नजर आएंगे, इस पर आपको सावधानी बनाकर चलना है। 13 अप्रैल तक किसी भी प्रकार का बड़ा निवेश यदि जीवन में आप करने जा रहे हैं तो उससे आपको जरूर बचने की आवश्यकता रहने वाली है। वैसे आर्थिक लिहाज से स्थितियां काफी श्रेष्ठ और सुखद बनी हुई रहने वाली हैं, क्योंकि लाभ भाव में मौजूद गुरुदेव बृहस्पति आपको जीवन में धन संपदा और भौतिक सुख सुविधाओं की चीजों से आपको संपन्न किए हुए रहने वाले हैं। लाभ भाव में मौजूद गुरु के शुभ प्रभाव से इस समयावधि में जो मेष राशि के जातक हैं, आपका रुका हुआ धन आने की पूर्ण रूपेण संभावना जीवन में बनेगी। साथ में स्थायी संपत्ति आप खरीदने की योजना बना सकते हैं, इसमें भूमि खरीदने की योजना बनाई जा सकती है। इस समयावधि में अगर परिवार के दृष्टिकोण से अगर जानकारी हम आपको दें तो राशि का चतुर्थ भाव इसके बारे में जिम्मेदार होता है। इस भाव में शनिदेव की दृष्टि जा रही है,
जैसे पारिवारिक मामलों में मेष राशि वाले जातकों, आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। व्यर्थ में परिवार में चिंता उत्पन्न हो सकती है, कलह की संभावना उत्पन्न हो सकती है। यदि आप मेष राशि के जातक हैं तो अपने परिवार की प्रत्येक जिम्मेदारी को आपको जरूर ध्यान देकर चलना चाहिए, क्योंकि यदि आप अपनी जिम्मेदारी से भागेंगे तो परिवार में असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, परिवार में कलह की संभावना बनेगी, जिससे आपको प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। इस समयावधि में अगर आपके राशि में प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिहाज से अगर हम आपको जानकारी दें, इन दोनों लिहाज से स्थितियां बहुत ही श्रेष्ठ और सुखद बनी हुई रहने वाली हैं। प्रेम जीवन में संलग्न जातक जीवन में बेहतर स्थितियों का निर्माण कर पाएंगे। साथ में वैवाहिक जीवन में संलग्न जातकों को जीवन में एक बेहतरीन अनुभव देते हुए गुरुदेव बृहस्पति नजर आने वाले हैं। वैवाहिक मामलों में जो जातक संलग्न हैं, ऐसे जातक जीवन में वैवाहिक सुखों में बढ़ोतरी आपके देखने के लिए मिलने जा रही है। विवाहित जोड़े रिश्ते में भावनात्मक रूप से काफी सनलाइट देखने के लिए मिलने जा रहे हैं, भावनात्मक रूप से काफी कनेक्टेड रहने वाले हैं। इस समय अवधि में शिक्षा के लिहाज से अगर जानकारी हम आपको दें, कैसी संभावनाएं बनने जा रही है। शिक्षा के क्षेत्र में संलग्न जातक, चूंकि राशि के पंचम भाव से इसके बारे में विचार किया जाता है, इस भाव में शुभ ग्रहों की पूर्ण रूपेण दृष्टियां जा रही है, जिससे ऐसे जातक जो गुरुदेव बृहस्पति से जुड़े हुए क्षेत्रों में संलग्न है, जो जातक निरंतर तैयारी कर रहे हैं, बैंक लेक्चरर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इन सब विषयों की तैयारी कर रहे हैं, साथ में ज्ञान विज्ञान से जुड़े हुए क्षेत्रों में संलग्न होकर ये तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें आपको बड़ी सफलता देखने के लिए मिलने जा रही है। गुरुदेव बृहस्पति को ज्ञान का काराग्रह माना गया है, तो यदि आप ज्ञान विज्ञान से जुड़े हुए क्षेत्रों में शोध कर रहे हैं या वैज्ञानिक कार्यों में संलग्न हैं, तो आपको यहाँ पर बेहतर संभावनाएं जीवन में देखने के लिए मिलने जा रही है। संतान के लिहाज से बेहतर संभावनाएं मेष राशि वाले जातकों को जीवन में देखने के लिए मिलने जा रही है। यदि आप मेष राशि के जातक हैं तो आपके संतान जीवन में बेहतर प्रदर्शन करते हुए नजर आने वाले हैं। संतान के स्वास्थ्य में काफी श्रेष्ठ स्थितियां देखने के लिए मिलेगी। इस समयावधि में अगर स्वास्थ्य के लिहाज से अगर हम आपको अप्रैल महीने की जानकारी दें, क्योंकि स्वास्थ्य के स्वामी बनते हैं आपके राशि में, जो शुभ स्थानों पर मौजूद नहीं है, राशि के 12th हाउस में विराजित हैं, यानी वे भाव में विराजित हैं, तो यह महीना इस ओर इशारा दे रहा है कि आपको अपने स्वास्थ्य का पूर्ण रूपेण ध्यान रखकर जरूर चलना चाहिए। इस समयावधि में चूंकि गर्म बढ़ने से आपको कई प्रकार के वायरल बुखार की संभावना उत्पन्न हो सकती है, मस्तिष्क में घबराहट तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, इस पर आपको खान पान पर आदत पर ध्यान रखकर चलना है। घरेलू भोज पदार्थों पर पूर्ण रूपेण प्राथमिकता देकर जरूर चलने की आवश्यकता रहने वाली है, क्योंकि स्वास्थ्य के प्रति जितनी सजगता आप रखेंगे उतनी बेहतर स्थितियां जीवन में बनेगी। इस समयावधि में राशि के 12th हाउस में मौजूद 3 ग्रहों के होने से, चूंकि तीनों ग्रहों की दृष्टियां रोग भाव पे जा रही है, जिससे आपको शत्रु पक्षों से काफी सावधान होकर चलने की आवश्यकता होगी। किसी भी व्यक्ति को ऋण देने से भी आपको जरूर बचने की आवश्यकता रहने वाली है। स्वास्थ्य को पूर्ण रूपेण फिट बनाए रखने के लिए सूर्योदय के पूर्व आप जरूर सोकर उठ जाएं, और यदि टहलने के लिए आप जाते हैं तो आप देखेंगे बेहतर संभावनाएं जरूर बनेंगी। यदि कोई वाहन चला रहे हैं तो उसमें भी आपको सावधानी बरतना चाहिए, वाहन को सावधानी पूर्वक जरूर चलाना चाहिए, क्योंकि अष्टम भाव में मौजूद केतु आपके मन में गंभीरता ला सकते हैं। अब आइए हम आपको बताते हैं कुछ खास उपाय जिसको करके आप बेहतर संभावनाओं का निर्माण जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कर सकते हैं। तो सबसे पहले मेष राशि वाले जातकों, जीवन में कुछ किस खास बातों का आपको ध्यान रखकर जरूर चलना चाहिए। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार मेष राशि की एक ऐसी आदत को हम बताने जा रहे हैं जिस पर आपको पूर्ण रूपेण ध्यान रखकर चलना है। इस राशि के जन्मे जातकों में ईगो की भावना बहुत ज्यादा होती है, और जब आपके अंदर अहंकार की भावना उत्पन्न होती है तो 3 अतिरिक्त चीजों आपके अंदर जन्म लेती है, क्रोध घृणा और द्वेष की स्थिति भी आपके अंदर उत्पन्न होने लगती है। क्रोध के कारण आप अपने जीवन में बहुत से कार्यों को बहुत से अवसर को दूर खो देते हैं, और जब अहंकार की भावना ईगो की भावना उत्पन्न होती है तो उस भावना को आप अपने अंदर स्वाभिमान समझने लगते हैं, फलस्वरूप आपको जीवन में करना पड़ता है चुनौतियों का सामना। आपको पूर्ण रूपेण यह सलाह दी जाती है
मन में पूर्ण रूप से कॉन्फिडेंट रहें, हर व्यक्ति से आपको घुलना मिलना चाहिए, साथ में अनुभवी व्यक्ति की राय को जीवन में जरूर लेना चाहिए, माता पिता का पूर्ण रूप से सम्मान करके चलें। घर में चाहे कोई छोटा सा ही बच्चा क्यों ना हो, अगर वो सही राय दे रहा है तो उस राय को आपको जरूर लेना चाहिए। जिस प्रकार कीचड़ में गिरा हुआ सोने की कीमत कीचड़ में गिरने से कम नहीं होती है, ठीक उसी प्रकार ज्ञान चाहे जहां से मिले, चाहे वो छोटे बच्चे से मिले, चाहे किसी दूसरे व्यक्ति से मिले, आपको जरूर लेना चाहिए। मेष राशि वाले जातक, यदि जीवन में बार बार असफल हो रहे हैं तो आपको निराश नहीं होना है। उसका कारण यह है कि जब जीवन में हम असफल होते हैं तो हमारे जीवन में संघर्ष की तीव्रता उत्पन्न होती है, और जब संघर्ष हम निरंतर करते हैं तो जीवन में एक नया व्यक्तिगत विकास जीवन में उत्पन्न होता है। तो हमेशा दृढ़ निश्चय के साथ कॉन्फिडेंट होकर जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। यदि आप अपनी मेहनत पर पूर्ण रूप से फोकस्ड होंगे और चलेंगे तो श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है कि कर्म दक्षता से भाग्य को भी बदला जा सकता है, तो इसलिए आप अपनी जीवन में हर प्रकार की इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। और यदि कर्मरत निरंतर रहेंगे तो जीवन में चल रही असफलता को आप सफलता में जरूर कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी बदल सकते हैं। आपको बस एक बात का सलाह रखकर चलना है, हमेशा अपने आप को चिंता मुक्त रखकर चलें। यदि भूतकाल में आपसे कुछ गलतियां हुई है तो उस गलती से आपको सीख लेना चाहिए, बार बार किसी एक गलती को दोहराना आपके लिए उत्तम नहीं रहने वाला है। धार्मिक दिशा में अगर आपके लिए उपाय की बात की जाए, आपके अंदर उग्रता क्रोध की निरंतर उत्पन्न होता है, इसके लिए आपको प्रत्येक दिन गाय को रोटी खिलाना चाहिए और हनुमान चालीसा का पाठ करना, बजरंग बाण का पाठ करना आपके लिए प्रत्येक दिन बहुत ही उत्तम रहने वाला है। साथ में मंगलवार के दिन गरीब और असहाय व्यक्ति को, जरूरतमंद व्यक्ति को यथाउचित आप दान कर सकते हैं। दान, धन का दान आप ना करें, उसकी यथाउचित आप मदद कर सकते हैं। बड़े बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उनका आशीर्वाद लेकर आप जरूर चलें। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी। यदि आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं तो इस चैनल से आप जुड़ सकते हैं। ओम नमः शिवाय।